टीकमगढ़ जिले में सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया के तत्वावधान में कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रज्जाक अलीशा के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन कर टीकमगढ़ जिले में कार्यकारिणी गठित की गई। निम्न बिंदुओं पर विशेष चर्चा की, जिसमें बताया गया कि सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया का मुख्य उद्देश्य सर्व समाज के लोगों को एकत्रित कर उनकी समस्याओं का निराकरण कर सर्व समाज के हर वर्ग के तबके के लोगों को हर क्षेत्र में आगे लाना है। इसी कार्यक्रम के दौरान मनोज खरे को सागर संभाग कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं संतोष अहिरवार को मजदूर यूनियन मोर्चा का जिला अध्यक्ष एवं सत्येंद्र सेना को जिला सचिव का पदभार सौंपा गया। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। संगठन का मूल मकसद है ओबीसी एससी एसटी की मदद करना, इनकी हक के लिए लड़ना, चाहे वो जिला प्रशासन के पार्टनर पे बात रखनी हो या सरकार के पार्टनर पे बात रखनी हो, तो हम लड़ेंगे और बिल्कुल लड़ेंगे। जो हमारे बाबा साहब के सिद्धांत है उन सिद्धांतों को हम फॉलो करेंगे और उनके और हमारे जो है मेन उद्देश्य ये है कि भारत की अहिंसा अखंडता और एकता का हमारा पहला उद्देश्य है। और इसी क्रम में मतलब अब जो हम विस्तार कर रहे हैं तो हमारा विस्तार कर मेन मकसद आपको हम बता ही चुके। और इसी क्रम में मजदूरी यूनियन जिला अध्यक्ष जो मोर्चा है उस मोर्चे का जिला अध्यक्ष भाई संतोष अहिरवार जी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज्जाक अलीशा जी। जो फाउंडेशन क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, कौन से पद पर आप पदस्थ हैं? मैं रज्जाक अलीशा सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस संगठन जी हमारे संगठन का उद्देश्य है कि भारत की एकता अखंडता समृद्धता और हमारे जो आज देश में पिछड़ा वर्ग ओबीसी एससी एसटी जो मांग करते हैं उनका हक उनको प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए हम उन लोगों ने ये संगठन बनाया है। और इस संगठन के हिसाब से चलकर बाबा साहब के संविधान के दायरे में चलकर हम अपनी मांगों को प्रदेश में रखेंगे और अपनी मांगों को मनवाएंगे। यह संगठन अभी कहाँ कहाँ काम कर रहा है? हमारा संगठन लगभग 22 राज्यों में काम कर रहा है। आज क्या कार्यकारिणी गठित की गई आपने? आज हमने जो है अपने टीकमगढ़ जिले की मजदूर यूनियन प्रकोष्ठ का भाई संतोष को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसमें इस आप फाउंडेशन कितने लोग काम कर रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।